hope you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Pass around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमने 1 kg दाल ली है, इसको हमने रात को भिगो दिया था। 1 kg चिकन ली है, 3 tablespoons रेड चिली, 2 teaspoons सॉल्ट और जिंजर ले लिया। हमने कुकर को मीडियम फ्लेम पर रख दिया, अब इसके अंदर दाल डाल ली। अब हम दाल के लेवल जितना पानी डाल देंगे, अब डाल देंगे चिकन। अब इसके बीच रेड चिली और सॉल्ट डाल देंगे, फिर जिंजर। अब हम 15 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। हो गया, हम कुकर को खोल लेंगे। अब हम शामी कबाब के मिक्सचर को चॉप कर लेंगे। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। मटीरियल सारा चॉप हो गया है। इसके लिए हमने 5 eggs ली हैं, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें ली हैं, उनको काट ली है, थोड़ी सी धनिया को भी काट ली है, 1 teaspoon चाट मसाला, 2 teaspoon दादर मिर्च, 2 teaspoon जीरा, 2 teaspoon सूखी धनिया और 1 onion ली है। सब धनिया डाल देंगे और मिर्चें। ऑनियन डाल देंगे, सारे मसाले। और जो हमने एग लिए थे उनको धो के डाल। एग हम लोग पहले इसलिए डाल रहे हैं कि हमने शामी बनानी होती है तो एग जाया हो जाता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर इसीलिए एग बीच में डालते हैं, बाद में हमें डालने की जरूरत नहीं होती। हमारे शामी का मिक्सचर मिक्स हो गया, अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तवे को मीडियम फ्लेम पे रख लिया, अब हम शामी कबाब फ्राई करने लगे। हमारी किसी क्रिस्पी से शामी कबाब रेडी है, मैं इनसे सैरी करने लगा और मुझे बहुत मजा आएगा। को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।